हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 25th of January और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के सेशन में के बारे में। और आज आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे साइंस से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो जनरल साइंस है उससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को और रिपीटेड बार बार रिपीट होते हैं वो मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और कल बहुत स्पेशल सेशंस आपको मिलेगा डिफेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो कल सुबह 8 बजे से जैसे आपका रूटीन है प्रॉपर वैसे ही आप जुड़े रहेंगे यहाँ पे, और फिर आपको बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जानने को मिलेगा। रिपब्लिक डे स्पेशल जो क्लास चल रहा है उसका कल फाइनल एपिसोड है, और फाइनल एपिसोड में आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हर मेंबर्स के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आएंगे चैनल पे जो कि हो सके आपके आइडियल भी हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनके वो आइडियल होंगे, तो उनसे आपको बात करने का मौका भी मिलेगा। तो कल एक बहुत ही स्पेशल डे है, आप लोग बिल्कुल डिफेंस अड्डा के साथ सुबह से जुड़े रहिएगा और फिर फाइनल एपिसोड में आपको पता चलेगा व्हाट वर द हाइलाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्यूलियर क्वेश्चंस आज मैंने डाले हैं, मतलब अ काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस नहीं है जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं। रेगुलर हम लोग क्या करते हैं कि रोज हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन आज आपसे कुछ जनवरी महीने के ही कुछ करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं 2022 के, जो कि पिक्यूलियर क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि व्हाट इज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट ऑफ इंडिया इन 2021। तो आप जानते हैं कि गोल्ड का, सोने का बहुत ज्यादा आयात होता है। हम लोग उतने बड़े गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हर घर में कम से कम एक अंगूठा में पहनने वाला उंगली वाला अंगूठी जिसको रिंग कहते हैं आप लोग, फिंगर रिंग है ना। और क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी बहुत है तो एक मंगलसूत्र जो कि सोने का हो, एक इयर रिंग, गरीब से गरीब घर में, मतलब कि एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी ना हो वो भी शादी होता है उसके घर में तो एटलीस्ट इतना कुछ तो होता ही है। तो यानी हम लोग जो है गोल्ड पोजेस लोग हैं, हम लोग के घर में गोल्ड होता है तो इस कारण से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो कितना आपको लग रहा है कि बिलियन इंपोर्ट करना पड़ रहा होगा गोल्ड का? बहुत लोग नॉट श्योर हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम श्योर कर देते हैं। देखिए ये आपका इंपोर्ट है, ठीक है, और ये बढ़ते जा रहा है, गोल्ड इंपोर्ट से बढ़ते जा रहा है, और करीबन 55 बिलियन तक गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, काफी बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड कंज्यूमर कंट्री ऑफ गोल्ड, फर्स्ट कौन है वो आप पता करिए, खोजिए। और इंडिया स्पेंड हैड अ बिलियन स्पेंड इन 2022 और फिर ये सरपास द प्रीवियस लेवल, हाई लेवल ऑफ 2011। 2011 में 53.9 था, 2022 में 54 तक चला गया और 2021 में ये और बढ़ते जा रहा है और करीबन अभी 55 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करना मतलब होता है कि एक्सपोर्ट करना। तो ये अमाउंट है यूएस डॉलर में जितना का हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो सोचिए करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब आपका इंपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा, तो ये डेफिसिट बढ़ते जाएगा। क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, और ये पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जब ये नेगेटिव आता है तो हम लोग उसको डेफिसिट कहते हैं और वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। हाँ, दहेज में भी लगता ही है, बिल्कुल बात सही है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। इंडियंस आर वेरी फाउंड ऑफ गोल्ड, स्पेशली साउथ इंडियंस। आई हैव सीन 1-2 मैरिजेस ऑफ साउथ इंडियन। तो दक्षिण भारत में जब शादी होती है तो तेरे लगता है लाद दिया है लड़की को गोल्ड से। तो खैर, रानी वेल्लू नाचियार,
हैज बीन सीन इन न्यूज, तो रानी वेलु नाचियार जो हैं ये न्यूज में रही हैं और ये क्वीन है। अब आप बताएं कौन से स्टेट की ये क्वीन है जो ये न्यूज में रही, क्यों न्यूज में रही, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग आज। तो आप लोग को फिर से गलत आंसर आ रहा है आप लोगों का, ये तमिलनाडु है। नाचियार जो है ये देखिए बर्थ एनिवर्सरी था इनका, ये क्वीन है शिवा गंगाई इन तमिलनाडु, ठीक है। तो शिव गंगाई जो जगह है तमिलनाडु, और ये ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, वेज वॉर, 1730 में इनका जन्म हुआ है। ये पहली क्वीन थी टू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, इसीलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता है रानी वेलु नाचियार के बारे में, ठीक है। शी वॉज ट्रेंड इन आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, मार्शल आर्ट्स, इवन वेपन हैंडलिंग। और ये जो है आफ्टर ब्रिटिश किल्ड हर हस्बैंड, इनके पति का निधन हो गया, इस शहीद हो गए ये, और उसके बाद वो रिकैप्चर की अपना किंगडम और शिव गंगाई पे 10 साल तक रूल की, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी। तो रानी वेलु नाचियार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इस महीने बहुत न्यूज में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ ड्रॉफ कैट फिश, ड्रॉफ कैट फिश, कैट फिश माने कि जो मछली होती है नीचे बिल्ली जैसी लगती है, मछली रहती है, हाँ। तो यहाँ पे स्यूडो स्यूडो लागोविया वेस्पा, अगर ऐसे खाली सर्च कीजिएगा तो वेस्पा स्कूटर आएगा, ठीक है। तो इसलिए स्यूडो लागोविया जो है आप उसको करके सर्च कीजिएगा, ये मिलाक नदी पे है। अब देखिए इससे आपका कितना बन रहा है, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मिलाक नदी अभी न्यूज में रहा है, ये किस स्टेट का है मिलाक नदी, तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। अब आप आंसर बताइए, वेस्ट बंगाल आंसर हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस भी हो रहा है, बिल्कुल, एसएसबी वालों के लिए हम ये करंट अफेयर्स है, बिल्कुल सबके लिए करंट अफेयर्स है गाइस। यहाँ पे सारे एग्जाम्स जो आपके डिफेंस इंजीनियर्स के एग्जाम्स होते हैं वो सब के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे उनको पता होना चाहिए। चले तो यहाँ पे आप लोग आंसर दे नहीं रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर्स, एक दो आ रहे हैं लेकिन वो भी तुग्गा तुग्गी ही लग रहा है, तो इसको क्लियर करा जाए। देखिए ये मछली का फोटो है, पहले मछली का फोटो को अच्छे से देखिए, प्रणाम कीजिए मछली को, है ना। तो ये मछली का फोटो है, बिल्ली मूजा सा मछली है, और ये कहाँ मिलता है यार, ये मिलता है नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड में ये वेस्पा स्कूटर चल रहा है, और आप देखें ये मिलाक नदी कहाँ आ गया, नागालैंड में आ गया, और ये जीनस है स्यूडो लागोविया का, स्मॉल कैटफिश है, हिल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदियों में मिलता है, नेपाल और इंडिया, बांग्लादेश इरावदी में मिलता है ये, और म्यांमार वेस्टर्न घाट पेनिनसुलर इंडिया में ये मिलता है। वेस्पा लैटिन नेम है, लैटिन नेम है वास्प का, वास्प जितना आपका कीड़ा मकोड़ा सब आता है वास्प में आता है, तो इसका ये लैटिन नेम है। क्लियर है गाइज, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये एक ब्रिज के बारे में, आप जब सुनते होंगे बड़ा सारा पुल गिर जाता है ना, बहुत बड़ा बड़ा पुल होता है, वो अचानक से आज सिविल इंजीनियर उसका उद्घाटन किया जो बनाया था, और कल परसों ऐसा हुआ है, मतलब एकदम एग्जैगरेट हम नहीं कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर इतना ज्यादा सीमेंट में बालू मिला हुआ होगा कि 2-3 दिन के अंदर ये पुल गिर गया। तो आप बताएं कि भारत जैसे देश में, इतना बड़ा भारत है, बहुत सारे पुल हैं, किसी के भी मुंडी पे गिर सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कितना एक्सपायरी डेट है। चल तब तक हम सबको गुड मॉर्निंग बोल दें, आपको इसको सोचने में टाइम लगेगा। तो निर्मला जी गुड मॉर्निंग, रवि, शशि, स्केटर वेरी गुड मॉर्निंग, फुल एंटरटेनमेंट, अच्छा फुल एंटरटेनमेंट आपका नाम है, वासुमती, तालिया, शशि, एम मनोज, रवि गुप्ता, सुनील मोहन जी गुड मॉर्निंग, हाँ जी सोचो सोचो सोचो, वैशाली, दीक्षित, दीक्षित का आंसर सही है, और यहाँ पे एक नाम है अजीब सर, DHJKUPO, ठीक है कुछ गलत मतलब ना हो इसका, और महेश, रजत, दौली, रुद्र, प्रगति, गीतांशी, सतीश,
साक्षी, प्रगति, अनिमेश, पूजा, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है सबका नाम लेने का, जिसका नहीं लिया है गुस्सा ये कमल, अभी तुरंत आपका भी नाम ले लिया जाएगा जब आप आंसर देंगे। तो देखिए भारत जैसे देश में हमारे पूल का कोई ड्यूरेशन नहीं है, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी हैं, वो अनाउंस किए कि सेंटर को पॉलिसी लाना चाहिए कि एज होना चाहिए आपके ब्रिजेस का, और अभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है ब्रिज का, मतलब कितनों साल पुराना हो चलता है। इस कारण से क्या होता है, एक्सीडेंट और डेथ होता है। तो इंडिया ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन ले ब्रिजेस के बारे में कंट्री में, तो जो पुलिया उलिया गिरती रहती है वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीच के बारे में पूछा जा रहा है। रीच, रीच न्यूज में रहा अभी, रीच क्या है, आर ई ए सी एच, रिसेंटली न्यूज रेगुलेशन है आपका यूरोपियन यूनियन का, ये किस चीज के रिगार्डिंग है ये बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। हाँ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। तो ये देखिए जो रीच है, सोच लिए तो एक केमिकल से रिलेटेड, अभी क्या है केमिकल से रिलेटेड, तो रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ऐसा करंट अफेयर्स आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस हाई लेवल का करंट अफेयर्स कोई कराएगा नहीं, और एग्जाम आजकल जो है हाई लेवल ही पूछ रहा है, वो बच्चा वाला चिंटू टाइप क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिया एग्जाम। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए, यही पूछे जाएगा एग्जाम में। बोला जाएगा रीच में पहले आर का मतलब क्या है, तो क्या बोलिएगा, तो आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर 2020 में ये रेगुलेशन लाया था, अभी न्यूज में है 4000 केमिकल्स को इंक्लूडिंग आइसोप्रोपेनेल अल्कोहल, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रोपोनल है, प्रोपोनॉल है, तो प्रोपोनॉल क्या होता है, C3 होता है उसमें, है ना, H7 होता है, OH होता है, तो प्रोपोनॉल तो ये हुआ, तो ये एक अल्कोहल है, आइसोप्रोपोनॉल है, तो आप लोग बताइएगा क्या होता है। कलरिंग इंक कैन कॉज कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज, तो यूरोपियन केमिकल एजेंसी इसको पूरा ही हटा दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस थोड़ा सा आप फोकस कर लेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को, मन को मार के देख लीजिएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो एकदम हल्का फुल्का जो सवाल है वो बंद हो गया, उसका ट्रेंडिंग खत्म हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, बाकी वो सब क्वेश्चन भी हो जाएगा यहाँ पे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मुझे लगा कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए ये सब। अब आप देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ अक्षय पात्रा फाउंडेशन फॉर अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम पोषण स्कीम। तो ये जो पीएम पोषण अभियान है, जिसके तहत सब बच्चों को सही पोषण फूड प्रोग्राम दिया जाएगा, ये किसके साथ है? बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अक्षय पात्रा फाउंडेशन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण का नाम पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है इसका है, ठीक है। तो पीओ से पोषण है, एस एस से शक्ति है, ठीक है, और एन से जो है निर्माण है। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज मोर देन 6 decades ऑफ एक्सपीरियंस, 60 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उनका न्यूट्रिशन ठीक करने के लिए। और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू इम्प्लीमेंट न्यूट्रिशनल आउटकम, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को और जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चों को, लैक्टेटिंग वुमेन उनको कहते हैं, उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पोषण शक्ति अभियान क्या सिर्फ ओनली चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया के लिए है, तो नहीं, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है, और वो वुमेन के लिए भी है जो लैक्टेटिंग है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जिस तरह से उनका पोषण रहेगा उसी तरह से उनके बच्चों का रहेगा, और जो माँ अपने बच्चों को अभी दूध पिला रही है लैक्टेटिंग है तो उस पर भी बहुत निर्भर करता है। मान लीजिए अगर पोषण कम आएगा तो दूध में भी न्यूट्रिशन कम होगा, और वो 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर दिमाग के विकास के लिए, तो इस कारण से बच्चों को बहुत सारा बीमारी भी हो जाता है अगर वो टाइम अच्छे से नहीं उनको फीड किया गया तो। एबिलिम्पस, एबिलिम्पस क्या है? हाँ, एबिलिम्पस देखिए ये भी न्यूज में रहा है, ये कॉम्पिटिशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो
तो जो लोग दिव्यांग हैं उनके बीच में, जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके बीच में कंपटीशन है. अब आप बताएं कि किस चीज़ से रिलेटेड ये कंपटीशन है, ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में गाइज. तो ये कंपटीशन आपका, देखिए ये एबिलिम्पस है और ये आपका स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ठीक है. तो नेशनल कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल, देखिए बहुत सारे नाम से ये कौशल विकास योजना आप सुने होंगे, तो कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि NSDC अलग से इसका डिपार्टमेंट बन गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक नोडल एजेंसी है. नोडल एजेंसी सुने होंगे, नोडल एजेंसी क्या होता है, जो सब चीज को ऊपर से गवर्न करे. यहाँ पे डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोला, प्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है. वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और यहाँ पे द इवेंट इंक्लूडेड एबिलिम्पस, ये स्किल डेमोन्स्ट्रेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंडिया स्किल 2021, और तीन अलग स्किल जैसे कि योगा, शू मेकिंग. देखिए शू मेकिंग का बहुत स्किल, अभी पता नहीं हम लोग हर चीज को ना इंडियन जज करते हैं कि अभी देखिए ना शर्मा जी का बेटा होटल में टेबल साफ कर रहा है, लेकिन ये नहीं है, टैलेंट भी बहुत चीज होता है. तो शू मेकिंग, देखिए मोची कितना बड़ा ब्रांड बन गया है. तो गारमेंट मेकिंग, इस तरह के तीन चीजों को जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा. जो लोग योगा जानते हैं, कपाल भारती, सूर्य नमस्कार, दूसरों को सिखा सकते हैं. आजकल योगा का कितना ज्यादा डिमांड है. शू मेकिंग, आजकल शूज को अपैरल इंडस्ट्री को हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका भी डिमांड है. तो इस तरह से इन चीजों को पढ़िए, समझिए. हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज. अब देखिए सी ड्रैगन हो रहा है यहाँ पे, अब आप बताएंगे ये सी ड्रैगन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है. पहला बात तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्या होगा, क्या ये सी लिखा है तो कहीं नेवी तो नहीं है, तो नहीं, अभी पहले हम मिलिट्री का बात कर रहे हैं, ठीक. तो अब आप देखें ये इंडो पैसिफिक कंट्री है. इंडो पैसिफिक कंट्री कौन सी होती है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के इस कोना में, ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है. पैसिफिक ओशन में बहुत सारे कंट्री टच कर रहे हैं, जैसे कि USA वगैरह. तो यहाँ पे वो कंट्री जो इंडो पैसिफिक है, जैसे सबसे बड़ा लाइन तो कनाडा का टच होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का टच होता है, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है. तो ये सारे कंट्री बाई मल्टीलेटरल, बाइलेटरल कब होता है, जब दो होते हैं, मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर करेंगे. सबमरीन माने कि पनडुब्बी में, एंटी नीचे पनडुब्बी वॉरफेयर भी हो जाएगा यहाँ पे, और ये पार्टिसिपेट करेंगे. तो क्वाड कंट्री तो है ही, क्वाड में कौन कौन है, जापान है, इंडिया है, USA है, और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन साथ साथ कनाडा और साउथ कोरिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा. जिस तरह से क्वाड का सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या होता है, मालाबार होता है. मालाबार किसके किसके साथ होता है, पहले हम लोग USA के साथ करते थे, फिर जापान भी आ गया, और इस साल से ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है मालाबार एक्सरसाइज में. मालाबार कोस्ट किसको कहा जाता है, केरला के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है. केरला को क्या कहा जाता है, मसालों का देश, ठीक है. ऐसे लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है केरला को, ठीक है, कोई डाउट नहीं है. अब चलिए गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्रॉम कैरेबियन सी. तो देखिए ये बड़ा पिक्यूलर सा सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, और हम चाहते थे कि सारे बच्चे को ये हम पहले सोचे पेड कोर्स में पढ़ाएंगे, लेकिन हमको लगा, हाँ बिल्कुल स्वास्तिक आपको सही लग रहा है, तो लेकिन हमको लगा कि नहीं ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, मेरे हर स्टूडेंट को इस पेनिनसुला के बारे में पता होना चाहिए, ठीक. तो इसीलिए इसको हम डाले हैं. बिल्कुल रजत आपका गैस सही है, 1992 से मालाबार है. तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए डी है. अभी मैप देख लीजिए आप अच्छे से, मैप में क्या है कि मेक्सिको, और यहाँ पे ये जो हो रहा है, यहाँ पे ये पेनिनसुला है गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन. अब आपको लगता होगा कि मैम देखे ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है ये है, और अचानक से कैरेबियन सी शुरू हो रहा है, तो बीच में पता कैसे चलेगा कि कैसे शुरू हो जाता है. तो यूकैंटन पेनिनसुला जो है, इससे पता चलता है
कि अब यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको खत्म हो गया और कैरेबियन सी जो है इसका स्टार्ट हो गया। क्लियर है? हाँ, मैथ्स की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी मैथ्स की क्लास, बिल्कुल होगी। तो आप देखें यूकैटियन प्लेट्यू, कल हम थोड़ा सा चेंज लाए हैं, ये जो आपका स्टडी प्लान है उसमें मेरे क्लासेस काफी लास्ट में दिए गए थे, तो वो आपको लगा कि रिविजन के लिए नहीं सही है, वो एक्चुअली उन्होंने गलती से डाल दिया था, तो कल उसमें चेंजेस आया है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, नाम सुने हैं, बाकी तो जानते भी नहीं थे, तो अब जान गए ना। तो अब देखिए यूकैटियन प्लेट्यू जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से अलग कर रही है, और यहाँ पे तीन मेक्सिकन स्टेट है, जैसे आपको दिख रहा है बेलेजे, ग्वाटेमाला, ठीक है, तो पोर्शन ऑफ, पहले तो मेक्सिकन स्टेट, ये बेलेजी आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम छोटा सा कोना में, छोटा सा कंट्री है, और ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला भी पता होना चाहिए, ये एकदम ही एंड पे है। और अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी, देखिए क्यों न्यूज में है, नया स्टडी कहता है कि माया सिविलाइजेशन बड़ा न्यूज में था कि दुनिया खत्म हो जाए 2012 में, उस चक्कर में कितना लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, हम भी बहुत चीज गड़बड़ कर दी उस चक्कर में, ठीक। तो मे हैव एक्सेस टू नियरली 500 एडिबल प्लांट, मेनी ऑफ देम विच आर हाईली रेजिस्टेंट टू ड्राउट, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट द सिविलाइजेशन फॉल ड्यू टू ड्राउट। तो एक माया सिविलाइजेशन अमेरिका में, इसके बारे में सुने होंगे, है ना, 2012 वाला, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यार इस जगह में ना बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको आप खा सकते हैं, और ये ऐसे प्लांट हैं जो कि सूखा पड़ने पर तबाही नहीं, मतलब बर्बाद नहीं होते हैं, ठीक। और ये प्लांट जो है, ये माया सिविलाइजेशन पूछा जाएगा कि क्यों गिर गया, न्यूज में है, पूछा जा सकता है, तो खत्म हो गया ये सूखे के कारण, ड्राउट के कारण माया सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद हम लोग कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, विच टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंपनी इज सर्विस प्रोवाइडर फॉर पासपोर्ट सेवा, तो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जानते हैं सब कुछ इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS फॉर सेकेंड फेज पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, TCS इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में, ये कोशिश करेगा कि सब चीज डिजिटल हो जाए, पासपोर्ट रिलेटेड सर्विस फास्ट ट्रैक टाइमलाइन और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। चले, तो अब हम लोग कुछ जो करंट अफेयर्स है न्यूज में रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन आंसर तो हो गया, अब इसी करंट अफेयर्स के तर्ज पे आपसे अगले दिन क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से सुने। अब इंडियन आर्म फोर्स सिलेक्टेड साब, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ एंटी एडमर वेपन तो स्वीडिश डिफेंस कंपनी। अब देखिए साब न्यूज में है, तो पूछा जाएगा कि क्या है स्वीडिश डिफेंस कंपनी, क्या किया, तो साब हैज बीन सिलेक्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स आर्म फोर्स, तो स्वीडिश कंपनी है साब जिसको हम लोग सिलेक्ट किए हैं, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम हुआ था ताकि वो सप्लाई करे वन शॉट एंटी आर्मर वेपन AT4 ये सप्लाई करे, और हम लोगों ने इसको चूज किया है कि साब कंपनी हम लोग को AT4, ये देखिए फोटो, तो AT4 प्रोवाइड करेंगे इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, तो आर्मी और एयरफोर्स इनको यूज करेगा। ऑर्डर इंक्लूड AT4CS AST विच कैन बी फायर्ड फ्रॉम कॉन्फाइंड स्पेस सच एज फ्रॉम द इनसाइड बिल्डिंग, बिल्डिंग के इनसाइड से, बंकर से एंड अदर अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर से, मतलब क्या बिल्डिंग के अंदर रह के गोली चलाएंगे तो भी वो जाके निशाने को लगेगा, ठीक। और यहाँ पे कार्ल गुस्ताफ सिस्टम ऑफ साब इज ऑलरेडी बीन यूज बाई इंडियन एयरफोर्स, तो बोला जाएगा कि क्या ये पहली बार है, तो नहीं ये पहली बार नहीं है, क्योंकि पहले से ये यूज हो रहा है, तो इसी तरह से सवाल आते हैं कि ये जो है पहली बार है, क्लियर है। चले, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैथ्स बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि एक्चुअली जहां तक मुझे पता चला है कि सर जो है उनके यहाँ कुछ इशू है, तो वो बस एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए गुड डॉट रोप्स इन नीरज चोपड़ा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर,
तो देखिए, ये गुड डॉट जो है ये नीरज चोपड़ा जी को बोले हैं कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, और एसोसिएशन है ये एक प्लांट बेस्ड मीट है। तो आप समझ रहे हैं, जब आप कुछ नॉनवेज खाते हैं तो उसमें रेड कलर का डॉट रहता है इस तरह से, और वेज में क्या होता है, ग्रीन कलर का डॉट होता है। तो ये एक गुड डॉट है। अब ये प्लांट से मीट बनाएंगे तो ऐसे वेजिटेरियन लोग जो कि मीट का स्वाद लेना चाहते हैं, या ऐसे नॉन वेजिटेरियन लोग जो कि मीट छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कंपनी है गुड डॉट, और नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बोला है कि आप लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, अच्छे चॉइसेस की तरफ जाइए, और दुनिया को एक अच्छा जगह बनाइए रहने के लिए जहां पे लोग एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं, है ना। वरना इंडिया, मतलब इंडिया क्या, पूरा दुनिया क्या ऐसा हो जाएगा जहां लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली गोपाल सर के यहाँ किसी का डेथ हो गया है, तो कल ही ये अनाउंस हुआ कि गोपाल सर एक दो दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे। उसका आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा, सारा क्लास मिल जाएगा, बस एक दो दिन में, कल रिपब्लिक डे है, उसके बाद आपको सारा क्लास रेगुलर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटका बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एवीजीसी सेंटर फॉर एक्सेलेंस। अब ये क्या है एवीजीसी? एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो यहाँ पे जो हम लोग पबजी उबजी खेलते हैं, मिनी मलेशिया खेलते हैं, तो वो सब अब खत्म हो जाएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटका में एक एक्सेलेंस सेंटर खोला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री भी इसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये बिगेस्ट सेंटर है पूरे एशिया में जो कि कर्नाटका में इसको खोला जाएगा। तो ये पूरी तरह से हाईटेक हो जाएंगे हम लोग, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, अब हम एकदम इसको रेगुलर कर दिए हैं, तुरंत क्लास खत्म होते ही आपको करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी, यानी कि जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, ये लॉन्च किया गया है लखनऊ में। तो आप जानते हैं कि हम लोग पैरा बैडमिंटन में भी अब लेने लगे हैं मेडल्स, तो इसको क्यों ना बच्चों को ट्रेन किया जाए, जो बच्चे हैं जो एस्पिरेंट हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी इसको खोला गया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है, और ये बोल रहे हैं हम लोग कि हमारा प्रॉस्पेक्ट है कि 2024 में जो पैरालंपिक गेम होने वाला है पेरिस फ्रांस में, उसके सैटरडे डे स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में, इसमें हम लोग मेडल लेके आएंगे। और यहाँ पे हेड नेशनल कोच जो है ये गौरव खन्ना है, जिनका एसोसिएशन है एजेंट्स फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ये इन्होंने ये खोला है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्या होगा आपके, कल परसों आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप लोग जो छट छट तुरंत आंसर देते हैं वो तब ऐसे ही दे पाइएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ये फ्री का है, एक लाइक से कुछ होता नहीं है, लाइक कर सकते हैं। नीति आयोग एंड RMI इंडिया रिलीज रिपोर्ट बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो देखिए, नीति आयोग बोल रहा है कि ये रिलीज किया एक रिपोर्ट बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया, January 22, 2022 का ये न्यूज है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंकल्शन इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने अर्थव्यवस्था में लाना है, तो RBI बोल रहा है यार इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस बनाना चाहिए। अब कल अगर कोई मेरा CDS वाला सेशन देखा है तो वहां पे हम सीलिंग के बारे में बात किए थे। देखिए, हर एक बैंक का कोटा होता है कि इस कोटा का जो उसको लोन है वो आपको देना ही है, एजुकेशन सेक्टर में देना है, या इस कोटा का लोन आपको किसको देना है, फार्मर को देना है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में अगर डाल दिया जाएगा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो बैंक के पास कोटा हो जाएगा कि भाई आपको 2% 3% लोन अपना उसको ही देना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो नीति आयोग ने US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन बहुत न्यूज में रहता है, ये उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए महाराष्ट्र में ये इसी के साथ साइन किए थे, रॉकी माउंटेन। तो ये अमेरिका का है, RMI इंडिया के साथ यहाँ पे बात किया गया है। बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर है
मिया मॉटले, और ये दूसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर है, फिर से दूसरी बार बन गए हैं, और ये बन गई है एक्चुअली हर है, वो बाल से नहीं लग रहा होगा, लेकिन शी इज अ लेडी। और ये 2018 में थी बारबाडोस लेबर पार्टी की, ये है और फिर से बन गई है। अभी देखिए ये होलोग्राम स्टैचू डाला गया है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होलोग्राम स्टैचू बना दिया है। अब इस पे प्रॉपर नॉर्मल स्टैचू जो ओरिजिनल है वो बनेगा, तो होलोग्राम होता है बस कि अब हम लोग आइडिया दिखा रहे हैं कि किस टाइप का स्टैचू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होलोग्राम स्टैचू इंडिया गेट पे पराक्रम दिवस, जो कि इनका बर्थ एनिवर्सरी है, 28 फीट लंबा है, 6 फीट इसका विड्थ है, और होलोग्राम स्टैचू जो है, एक बार स्टैचू जो कि ग्रेनाइट का बना है बनेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो नेताजी के होलोग्राम स्टैचू की जगह वो लग जाएगा। ये इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी था, इसको याद रखेंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि 40-100% तक सब्सिडी देंगे टू पॉपुलराइज ड्रोन इन एग्रीकल्चर। अब देखें ये क्या न्यूज है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि हम लोग एक चेंज ला रहे हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे, जहां पे 40-100% तक सब्सिडी दिया जाएगा अगर कोई फार्मर जो है वो ड्रोन खरीद रहा है, उसको पूरी तरह से फ्री में भी ड्रोन मिलेगा, ताकि ये क्या करे, पूरे आसपास जाके एग्रीकल्चर में देख ले, अपने खेत खलियान में देख ले कि किस तरह से उनका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, चले। और यहाँ पे देखिए ये 100% तक इनको दिया जाएगा, या फिर 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, ताकि या तो 100% तक इनको फ्री में ड्रोन दे देंगे, या तो 10 लाख रुपए दे देंगे, जो भी सस्ता होगा, ताकि ये ड्रोन खरीद लें। अब पीएम शिंजो अबे गिव नेताजी अवार्ड 2022, तो फॉर्मर जापान पीएम, देखिए इनको दिया गया है नेताजी अवार्ड 2022 के लिए नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा, और काउंसिल जनरल ऑफ जापान इन कलकत्ता नाकामुरू युकाता रिसीव दिस ऑनर ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर अबे। तो ये इनके जो काउंसिल जनरल हैं, इनको अवार्ड मिला कलकत्ता में, जापान में पीएम, फॉर्मर पीएम की जगह पर, और ये 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे हुआ है। तो पूछा जाएगा कि नेताजी अवार्ड इस साल किसको मिला है, तो आप बोलेंगे शिंजो अबे को मिला है, ठीक। अब एक सेकेंड हम आपका कमेंट देख लें, इंस्टा पर मेरा वीडियो चला गया, अच्छा भाई सही है। सुभाष यतिराज भी बैडमिंटन प्लेयर है, हाँ बिल्कुल आईएएस हैं, और पैरालंपिक गेम खेलते हैं सुभाष, बिल्कुल हम भी देखे उनका मैच, वो जीते थे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी। अब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है ये 24 जनवरी को अभी ऑब्जर्व किया गया है, और इसको ध्यान रखिएगा गर्ल्स चाइल्ड डे भी मनाया जाता है, और ये कब से शुरू हुआ है, ये 2019 से शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 दिसंबर 2018 को पास किया था, लेकिन अब 2019 से हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मना रहे हैं, और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी हम लोग 24 तारीख को मनाते हैं। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पे प्रमोट एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ द गर्ल्स और उनके राइट के बारे में उनको बताना है, और पहली बार जो है ये 2008 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑब्जर्व करती है। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का ये जो अवार्ड है इसको जीत लिया है। अच्छा ननायक ने डाल दिया है, मीम भी बना दिया है, अच्छा आईडी बताना, सही बात है। अब आप लोग खोजिए, देखिए हम इंस्टा पे है नहीं तो हमको कोई इससे मतलब नहीं है, अच्छा होगा तो हमको भेजिएगा, नहीं होगा तो आप खुद ही देखिएगा, ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है, बिल्कुल बात सही है। तो गाइस एक काम करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है और मैम पढ़ा रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे टाइटल जीत लिया है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022, और पीएम बोल रहे हैं पीवी सिंधु ने इसको जीत लिया है, लखनऊ में जीता है, इसको याद रखेंगे। और मालविका बसनौद को हरा कर इन्होंने ये मेडल जीत लिया है, सेकेंड बार जीता है, ओके गाइज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाटो प्रोवाइड अच्छा है या नहीं है? तुम लोग हंस रहे हो यानी नहीं अच्छा होगा, चलिए कोई कुछ कॉमेडी होगा, सही है छोड़िए। तो नाटो पार्टनर्स टू होल्ड मेरी टाइम ड्रिल इन मेडिटेरियन सी, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्री विल बी कंडक्टिंग अ 12-डे मेरी टाइम एक्सरसाइज। अब यहाँ पे कौन से कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी टाइम एक्सरसाइज हो रहा है मेडिटेरियन सी में, नाम है इसका नेपच्यून स्ट्राइक 22, ठीक है 2022 में है, तो नेपच्यून स्ट्राइक इसका नाम है। रुद्र भट्टी आपका है, चलिए सही है। अब आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इंस्टा के बारे में, कल क्यों क्लास ऑफ रहेगी, कल आपको क्लास में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है, अमित शाह जी ने गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे फॉर टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे सबसे बेस्ट आया है जम्मू, फिर डोडा, फिर सांभा, पुलवामा और फाइनली 5th में श्रीनगर, ये टॉप 5 है। और इस तरह से टॉप 20 रिलीज किया गया है। फॉर्मर फुटबॉलर है, इनका निधन हो गया, इनका नाम है सुभाष भौमिक, भौमिक ठीक है, तो भौमिक इनका नाम है, इनका निधन हो गया है 72 ईयर्स के। अब आप लोग क्लास छोड़ छोड़ कर जाके वो इंस्टा का मीम देखिए, है ना, यही काम करिए आप लोग, और कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, ठीक। चले, तो यहाँ पे 72 ईयर्स है और इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में हुआ है, 1970 एशियन गेम्स हेल्ड इन बैंकॉक, और ही वाज, इन्होंने हैट्रिक मारा था फिलीपींस के अगेंस्ट, और ये जो है मेंडेका कप 1971 है। क्लियर है गाइस, नो डाउट, चलें ठीक है। सांभा इज 15 किलोमीटर्स, यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ओके ग्रेट ग्रेट। गाइज प्लीज सेशन को लाइक कर दे, नथिंग गोज, इट इज फॉर फ्री, और बहुत अच्छा लगेगा जब वो जो व्हाइट और ब्लैक कलर का थंब है वो ब्लू हो जाएगा, सुंदर लगता है देखने में। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट विकास इंजन इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु, तो इसरो ने क्या किया है, अभी अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक विकास इंजन, और ये विकास इंजन कहाँ को जाएगा, ये जाएगा ह्यूमन कैरी रॉकेट गगनयान, ह्यूमन मिशन जो है, तो भाई मिशन इंजन तो अच्छा होना चाहिए ना, तो इसको महेंद्रगिरी तमिलनाडु में अभी टेस्ट किया गया है इसरो द्वारा, ठीक है। अब आप जानते हैं के सिवन जो है वो चेयरमैन चीफ नहीं रहे इसरो के, उनकी जगह एस सोमनाथ हो गए। यार तुम लोग ऐसे डोंट मेक मी कॉन्शियस एंड नर्वस, मुझे ना सोशल मीडिया से थोड़ा फोबिया है, यूट्यूब पे भी बहुत मेहनत से ही आए हम, तो ना हम इंस्टा पे मिलेंगे, ना आपको फेसबुक पे मिलेंगे, ना आपको ट्विटर पे मिलेंगे, किसी भी सोशल मीडिया में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक व्हाट्सएप रहता है क्योंकि वो मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम आप लोग के कारण ही बना है, यूट्यूब पे भी मतलब जबरदस्ती आ गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा हमको कॉन्शियस मत कीजिए इंस्टा उंस्टा का नाम लेके। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना कांगड़ा ऐप शुरू किए हैं, ठीक है, तो अब ये जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है, और ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। बस इसमें क्या है, ये ऐप जो है ये यूनिक एक्सपीरियंस देगा टूरिस्ट को, एक मतलब एक साइड टूरिस्ट को और ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को, जो सेल्फ हेल्प प्रोडक्ट हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए, ताकि टूरिस्ट को जो एक्चुअली पसंद है लोकल हैंडीक्राफ्ट, ये सब टूरिस्ट वहां से ले सके और वो लोग को भी मिलेगा हेल्प, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा फेमस एक यूट्यूब है, इनको हम देखे हैं काफी बार, मोस्टली सीन इनके चैनल का नाम है, काफी बहुत स्कूल टाइम से देखे हैं यार इनको, तो ये प्रजक्ता कोहली है, 5 साल हो गया होगा इनको भी। इंडिया फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूथ चैंपियनशिप है ये, शी इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, बहुत सारे चीज पे ये काम करती हैं, गर्ल्स एजुकेशन, विमेन हेल्थ, विमेन राइट, ग्लोबल सोशल कैंपेन के लिए इनको यूट्यूब की है, और यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है, ठीक। अब आरबीआई पेपर देखिए, अब आरबीआई पेपर जो है, मैम क्लास कब खत्म होगी, 9 बजे खत्म होगी। आरबीआई पेपर ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर ईसीबीज इज 63%। अब यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने एक वर्किंग पेपर लाए हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ये रेस किया गया है 63% तक,
और इसको जो है बस इतना ही याद रखना है, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग जो है हम लोग बाहर से ज्यादा उधारी कर रहे हैं, उधारी करना अच्छा बात नहीं है वरना फिर से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। गाइस थोड़ा सा लाइक कर दें, सेशन कर दें। हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़पेपर यही सब काम हम करते हैं। ऐसे मीम बनाए कि हंसी भी नहीं आई, यानी कि कुछ खतरनाक ही होगा। चलिए छोड़िए। जियो प्लेटफॉर्म ठीक है has signed a pact with University of Oulu, Finland, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म ने बोला है भाई 5G नहीं, हम सीधे 6G करेंगे। तो 6G के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जियो प्लेटफॉर्म ने साइन किया है। अभी और क्वेश्चंस हैं, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि कल से ही शौर्य बैच जो है वो शुरू हो चुका है। आज शौर्य बैच का सेकेंड क्लास है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, लेकिन क्लासेस थोड़े चेंज भी हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे का आपको क्लास मिलेगा। इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद जीके या जीएस, जिसका भी मन किया, जीके जीएस एक्चुअली दोनों ही है। रोज ही मेरा और जेवेद सर का क्लास होगा, जैसे कि आपका एफकैट सुपरसोनिक में हो रहा है वैसे ही होगा। और यहाँ पे निहारिका मैम का भी क्लास है साइंस का, तो आपको ये कोर्स नहीं लगेगा। अगर आपने ये Y332 यूज किया है कोड, तो आपको ये सिर्फ 2000 में मिल जाएगा। और अगर आपको एफकैट जो कि सिर्फ 999 का है, सुपरसोनिक बैच में जाना है, तो वो सिर्फ 999 का है। और अगर आप डिफेंस का महापैक लेंगे, तो आपको शौर्य और ये एफकैट का, ये इतने का बिल्कुल नहीं है, इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, और ये 999 का है। और आज के लिए, क्योंकि कल रिपब्लिक डे है, तो हम लोग आपको कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। सिर्फ आज और कल के लिए ये एक देश एक वादा सिलेक्शन का इरादा, ये डबल वैलिडिटी ऑफर है। यानी कि अगर कोई भी महापैक आप लेते हैं, सिर्फ महापैक पे, ठीक है, शॉर्ट बैच पे नहीं है और ना ही आपका सुपरसोनिक है, लेकिन दोनों को मिलाकर अगर आप सीधे महापैक लेते हैं, तो आपको महापैक पे डबल वैलिडिटी है। और जितने भी आपके टेस्ट हैं, सब स्टूडेंट के पास एक टेस्ट पैक होना चाहिए, तो टेस्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 77% के साथ साथ डबल वैलिडिटी मिलेगा अगर आप Y332 कोड का यूज करते हैं। तो Y332 इज द कोड। इसी तरह से आपको इंजीनियरिंग का भी महापैक मिलेगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबका, और आपको टेस्ट पैक भी मिलेगा, DSSSB का आपको कोर्सेज भी मिलेगा। और अगर आप महापैक लेंगे, तो डबल वैलिडिटी, Y332 कोड है, जिस भी स्टूडेंट को लेना है ले लीजिए आज के लिए और कल के लिए, ये डबल वैलिडिटी का ऑफर है, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो हमको लगता है जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो अभी तक महापैक नहीं लिए हैं, तो एक तरह से चलिए अच्छा ही है, आज ले लीजिएगा आप, तो डबल वैलिडिटी का आपको ऑफर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालें। ये 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपसे इकोनॉमिक्स, काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और फिर 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे। हाँ बिल्कुल रुद्र भट्टी, आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा ग्रीन टी शर्ट पहन के क्यों आएंगे हम? यार तुम लोग ऐसे मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, अब हमको डर लगने लगा है। हाँ उड़ीसा आए हैं हम, पूरी गए हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर गए हैं, फिर वो जो बीच है वहां पे भी गए हैं, ठीक है। तो फिर फर्स्ट कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व। तो देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है टाइगर रिजर्व पर पहली बार करने वाला हमारा प्यारा देश भारत है, और फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन ये कर रहा है, और इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार ये जो है ये हेल्ड हो रहा है रशिया में, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला दर्पण पोर्टल। एक कोयला दर्पण पोर्टल क्या है? अच्छा ये जो है करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। एक भी भर्ती CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री वाली एग्जाम भी लटकाया है, सही बात है यार, हम जानते हैं ये लटका रहा है लोग, क्या ही करिएगा। चले हाँ, अब देखें यहाँ पे ये कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये मिनिस्ट्री जो है कोयला दर्पण का, ये आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, ये बात हो रहा है, ठीक है। तो कोल ब्लॉक मिनिस्ट्री का ये बात हो रहा है, जहाँ पे कोयला दर्पण, कोयला से सब कोई समझ ही होंगे, इतने तो अंग्रेज हैं नहीं कोई यहाँ पे जो कोयला ही से नहीं समझ रहे हैं। UN जनरल असेंबली अप्रूव रिजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाई विच कंट्री कमेंडिंग होलोकास्ट डिनायल। तो देखिए होलोकास्ट क्या हुआ था, एक बात आप समझ जाइए, ये जो बहुत लोग को एक साथ मार दिए थे ना World War II में हिटलर, तो बोलते हैं वो होलोकास्ट था बहुत बड़ा, लेकिन UN जनरल असेंबली जो है इसको डिक्लाइन कर दिया है। तो ये होलोकास्ट जो है ये इजरायली के साथ हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि जूश
का जो कम्युनिटी है उसके काफी खिलाफ थे हिटलर, और इसराइल में ये हॉलोकास्ट हुआ था, लेकिन यूएन जो है ये कह रहा है कि नहीं, हम लोग इस तरह से किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो इसको ये डिक्लाइन कर दिए। हॉलोकास्ट समझ जाइएगा बहुत वो जो एक ही साथ बहुत लोग मर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संघ, कुछ हिंदी में उसका वर्ड है ना, नरसंहार, हाँ नरसंहार जो है उसी को हॉलोकास्ट कहते हैं। ठीक है, अब आयशा मलिक जो है फर्स्ट एवर विमेन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, ये पाकिस्तान की बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको पता है कि ये पाकिस्तान की है, और ये पहले ये हाई कोर्ट में थी लाहौर के, लेकिन अब ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगी और ये 2031 तक रहेंगी। ठीक, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आप जानते हैं यूरोप में कहीं पे भी फोटो लीजिएगा बड़ा सुंदर आता है, आप लोग जैसे इंस्टाग्राम वगैरह करते हैं तो ये भी आपका सुंदर हो जाता है। हाँ एग्जाम के एक वीक पहले आएगा, अभी तो 15 दिन बाकी है एफकैट का। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सुंदर हो जाता है। तो एक बोला है स्टेट, ये दिल्ली बोल रहा है कि हम अपने पूरे स्ट्रीट को, पूरे अपने सड़कों को, पूरा रोड सुंदर उंदर कर लेंगे जिस तरह से यूरोप में होता है। और यहाँ पे लोदी रोड आप लोग गए होंगे कभी तो देखे होंगे, बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल एरिया है ये, यहाँ पे जो लोग भी साइकिल से जाएंगे तो उनको रोड भी सुंदर मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का सवाल है, इसको आप लोग बताएं आंसर इसका गाइज। RSMB GS JK का लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश मौर्य लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अब जब हमको पता है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, आपको ये पढ़ना ही है, तो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा कल कलिंगा का बात हो रहा था, नीतीश जी भी कलिंगा के हैं, बहुत बढ़िया। तो अब देखें इसका आंसर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर। तो सबसे अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर होता है, लेकिन क्योंकि सिल्वर महंगा है कॉपर सस्ता है तो हम लोग कॉपर यूज करते हैं। तो सबसे खराब कंडक्टर जो है, आप लोग मरकरी कह रहे हैं, लेकिन इट इज लेड। ठीक है, तो PB जो है ये सबसे पुअर कंडक्टर है, ये बात आपको शायद नहीं पता है, सबको पता नहीं क्यों मरकरी कह रहे हैं, आंसर मरकरी नहीं है, ये लेड इसका आंसर होगा, एक बार सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है आप लोगों को, मरकरी, मरकरी इज नॉट अ पुअरेस्ट कंडक्टर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ आयरन ओर इज द बेस्ट आयरन ओर। तो सबसे खराब तो सिडेराइट होता है, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा होता है लिमोनाइट। अब आप बताएं मैग्नेटाइट अच्छा होता है या हेमाटाइट अच्छा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, आपका मैग्नेटाइट अच्छा होता है उसके बाद हेमाटाइट होता है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, जिस तरह से लिखा है वैसा ही है। हाँ इसी सब में तो आपको कंफ्यूजन होता है छोटे छोटे चीज़ों में, पता नहीं आप लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में क्या पढ़ते रहते हैं। अब देखिए गोबर गैस के बारे में बात हो रहा है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4 होता है, C4H10 हो जाएगा, है ना, C2H4 हो जाएगा, ठीक है, C3H8 हो जाएगा, ठीक है, CH4 हो जाएगा। ओके गाइस, तो गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, तो अब इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, एकदम गलत बात है गाइस। नो गाइस डोंट डू इट लाइक दिस, प्लीज टेल मी द आंसर प्रॉपरली एंड लाइक द सेशन इफ यू आर लाइकिंग द सेशन। कोई बहुत कम लोग अभी सेशन को लाइक किए हैं, क्या बात है, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए ये मिथेन है, मिथेन, ठीक है, गोबर गैस जो है इसमें मिथेन होता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, जो साफ किया जाता है ना फोटोग्राफी, तो फोटो में वो नेगेटिव निकाल के इस तरह से उसको साफ करके फोटो निकालते हैं, तो आप बताएं कि फोटोग्राफी, अरे आर्ट्स का ये कोई साइंस का क्लास नहीं है, ये आपको जनरल क्लास है, ये सब नॉर्मल बात है, पता होना चाहिए। अब आर्ट्स का स्टूडेंट क्या फोटो नहीं खींचता है, क्या खींचता ही है, क्या उसका फोटो स्टूडियो में जाके साफ नहीं होता है, होता ही है, तो उसमें केमिकल नहीं लगेगा क्या, उसका बिना आर्ट्स का स्टूडेंट है तो साइंस नहीं लगाएंगे उसमें, बिना केमिकल है के साफ हो जाएगा, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी लगा देंगे, नहीं ना। तो ये आपका सिल्वर है, ठीक है, Ag, और ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, सोडियम ब्रोमाइड होता है NaBr, और ये होता है मैग्नीशियम MgCl, और इसका वैलेंसी 2 होता है तो MgCl2 होगा। देखिए मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा है, चलो ठीक है। तो ये आपका सिल्वर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, अब इसको याद रखेंगे। देखिए एसिड का पूछ रहा है, अब यहाँ पे क्या सवाल है, देखिए यहाँ पे ये दो एसिड है कुछ इस तरह से,
भाई आपको केमिस्ट्री आता है, ठीक है, तुम लोग को ऐसे ही लगता है कि मैडम को नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलतफहमी में। देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, दो सी है डबल बॉन्ड ओ एच है, दो सी है डबल बॉन्ड ओ एच है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एसिड है, क्या कर दिए मैम, कर दिए जीपी टेक, तुम लोग अब खतरनाक लग रहे हो। अभी सीडीएस बैच में साइंस हुआ नहीं है, पूरा क्लास लेंगे तब ये क्वेश्चन पूछेगा। अरे उस उतना दिन का काहे के लिए इंतजार करना है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड को सिट्रिक कहते हैं। अब एसिटिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड में होता है C2H5OH होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका हाँ इथेनोइक, ठीक है। तो अब ये ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड आपका ये हुआ, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड है कि क्या है, गाइस इसको याद रखेंगे, दो COH आएगा तो ये ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब थोड़ा पांच क्वेश्चन आपका फिजिक्स भी चेक कर लें, बहुत आप लोगों का मजाक हंसी मजाक चल रहा है, मैम मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाना ठिकाना, ठीक, तो आप इसको भी चेक कर लें। ओम प्रकाश मौर्य, हम आपका आंसर दिए, सॉरी क्या होता है ना कभी कभी थोड़ा लेट इसको दिखता है, ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, सब कुछ दिख रहा है, आप लोग जो भी लिख रहे हैं बस वही है, थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है। अब आप देखिए इसका आंसर दीजिए, अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज इन द रेडियोथेरेपी बिकॉज, अब अल्फा जो है, अल्फा क्या होता है, हीलियम समझते हैं आप, हीलियम में क्या होता है, दो प्रोटोन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटोन, दो न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो चार हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका जितना प्रोटॉन है तो ये दो हो जाएगा। लेकिन अगर आप हीलियम से क्या करेंगे, दो प्रोटॉन निकाल लीजिए हीलियम से, दो प्रोटॉन कैसे निकालेगा, प्रोटॉन निकल सकता है, वो तो न्यूक्लियस में होता है, कभी निकलेगा क्या प्रोटॉन, नहीं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ठीक है। तो हीलियम ऐसे लिखिए, हीलियम माइनस टू इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हीलियम पे डबल चार्ज प्लस टू, दो बार प्लस लिखिए या फिर टू प्लस लिखिए, जो लिखिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, अल्फा पार्टिकल हो जाता है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो आज होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें मेन बात है कि ये इतना मोटा होता है, आप देख रहे इतना भारी है ना, एक तो हीलियम ऊपर से उसमें दो चार्ज, कि ये स्किन में पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, इस कारण से इसको रेडियोथेरेपी में यूज नहीं करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, अब देखिए ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, सबसे पुराना जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है वो पहले क्या आया था, बैक्टीरिया आया था, प्रोटोजोआ आया था, वायरस आया था, या ब्लू ग्रीन एल्गी आया था। देखिए अब आप थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़ा देते हैं। एक वो आप सुने होंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और एक आप सुने होंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रो से मतलब ही क्या होता है, कैरियोटिक, प्रो से मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जिस भी सेल का अच्छे से न्यूक्लियस विकास नहीं हुआ है, ठीक है, सेल में क्या होता है, सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में साइटोप्लाज्म होता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसका नहीं है और जिसमें न्यूक्लियस का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको आप लोग प्रिमिटिव सेल कहते हैं, और जो सेल प्रॉपर अच्छे से विकास है उसको आप कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। बेसिक डिफरेंस यही है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो क्या ये सबसे पुराना है, नहीं, ऐसा पुराना है जो कि पहले था ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका बैक्टीरिया सबसे पुराना है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है सबसे पुराना प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या है, लाइफ फॉर्म है, क्लियर है गाइज। वायरस एक लाइफ फॉर्म क्यों नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा मैम वायरस आंसर होना चाहिए, वायरस एक लाइफ फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस में न्यूक्लियस भी नहीं होता, और वायरस हमेशा होस्ट बॉडी पर रहेगा तो ही सर्वाइव करेगा, ऐसे वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वायरस को हमेशा कुछ चाहिए होता है, चले ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग, बिल्कुल दिनसेन का आंसर, दिनेश का आंसर अच्छा आ रहा है, सही आ रहा है दिनेश, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सीडीएस ओटीए का एग्जाम क्वालिफाई यूट्यूब पर आपका वीडियो चैनल चाहिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा सारा, सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर सीडीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप शौर्य बैच में आए, जहाँ पे हम 1-to-1 इंटरव्यू भी लेना शुरू कर चुके हैं, तो आप इस शौर्य बैच में आए, लेना कर चुके नहीं है, करेंगे, इफकैट में लेना शुरू किए हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से इस पर आए शौर्य बैच 2.0 में। मेरी आवाज़ अच्छी है, थैंक यू आशीष यादव कह रहे हैं मेरी आवाज़ अच्छी है, इतना तो हम भी नोटिस नहीं किए। चले अब आपसे पूछा जा रहा है फोटोक्रोमिक लेंसेज के बारे में, खतरनाक सवाल लग रहा है लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसको अंग्रेजी में इसलिए डाले हैं क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो साइंस अंग्रेजी में ही समझ जाते हैं, तो
तो ये क्वेश्चन इज वेरी कॉमन. फोटोक्रोमिक सेल जो है, अभी अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये सिल्वर क्लोराइड है. ठीक है, अब देखिए ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, और आपको सब कुछ ही मिल जाता है ना क्लास में. तो थोड़ा इस क्लास का कदर करें, थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए. लाइक तो आप लोग अपने से शेयर करना तो दूर का बात है, एक लाइक करने में भी आप लोगों को बहुत कष्ट होता है. तो लाइक शेयर करिए, हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए ठीक है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है. पढ़ना लगता है कि इतना पढ़ा दिया और क्या पढ़ाएं जो अच्छा लगेगा, तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना मैम अच्छा चल रहा है, चलिए सही है. तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स इन द एटमोसफेयर किसके कारण होता है, रेडियो एक्टिव वेव्स का प्रोपोगेशन. आपको पता होगा कि अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्राटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर फाइनली आयनोस्फेयर होता है. तो ये जो आयनोस्फेयर है जो आपका थर्मोस्फेयर में है, यहीं से सारा रेडियो एक्टिव वेव टकरा कर वापस जाता है. तो ये जो रेडियो एक्टिव का प्रोपोगेशन है वो एक्चुअली सबके कारण हो रहा है. रिफ्लेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. रिफ्लेक्शन का मतलब कि उसी सरफेस पर वापस चले जाना. रिफ्रैक्शन का मतलब है कि कुछ डाइवर्जन के कारण उस दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना. डिफ्रैक्शन का कारण है कि ऑन द पॉइंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है तो इस पर जाके जो स्कैटरिंग होता है उसको आप डिफ्रैक्शन कहते हैं. और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना. ठीक है, तो ये तो पता ही होगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका फिजिक्स का साउंड से रिलेटेड ये सवाल है. साउंड में आपको पता होगा कि साउंड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है, जिस कारण से साउंड फास्टर ट्रैवल फास्टर देन इट ट्रैवल इन एयर. तो आपसे बोला जा रहा है कि प्लेइंग अ फ्लूट बांसुरी बजाने के टाइम में द फ्लूट प्लेयर ओपन्स एंड क्लोजेस द होल ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूट. तो इस तरह से ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, जो उसमें इस तरह से मान लीजिए ये फ्लूट है और यहाँ पे ये ऐसे होल्स रहता है, तो ये होल में कभी कभी वो ऊपर नीचे करते रहते हैं. तो इससे क्या चेंज होता है, इससे आपका टिम्बर बदल जाएगा कि पिच बदल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा कि क्या बदलेगा, ये आप लोग का क्वेश्चन है. तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं बी कि टिम्बर तो नहीं बदलेगा. सही बात है, टिम्बर कैसे बदल सकता है, पूरा का पूरा टिम्बर ही बदल जाएगा. तो एक्चुअली हाँ टिम्बर बदल जाता है. ठीक है, तो अब आप इस पर थोड़ा सर्च करेंगे, इसमें सब आंसर होगा. यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये बुरी बात है कि आपको क्यों कन्फ्यूजन है. टिम्बर विल चेंज. ठीक है, अब टिम्बर आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये वाला टिम्बर है. ठीक है, आपको ये टिम्बर लग रहा है, लकड़ी ही बदल रहा है, लेकिन ये वाला लकड़ी नहीं है. थोड़ा सा आप इस पर स्टडी करें, आपको समझ में आएगा क्यों टिम्बर चेंज हो रहा है. मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाई कीर्ति पांडे. अभी तुरंत क्लास के बाद आपको वहाँ PDF मिलेगा और आपको बहुत कुछ वहाँ पर डिस्कशन होता है. तो आज हम चाहते हैं ये डिस्कशन होना. इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताइए, क्या हम गलत आंसर बता दिए हैं या क्या है बात, इसको आप लोग वहाँ डिस्कस करें. सेशन यही तक था. थैंक यू फॉर लाइकिंग द सेशन. और शॉर्ट डे बैच के बारे में बार बार अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक ड्रीम बैच है मेरा. एटलीस्ट हम चाहते हैं कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ रहा है हम रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं. कभी हम मैथ्स बता रहे हैं, कभी साइंस बता रहे हैं, कभी आपको रीजनिंग बता रहे हैं, है ना. ये हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो शॉर्ट डे बैच है, यहाँ पे हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे कि हम सिर्फ ऐसे टीचर नहीं बन रहे हैं क्योंकि अपना GK GS किए और फिर हो गया काम खत्म. नहीं, मेरा यही है कि इस बार आप मैथ्स, इंग्लिश भी आता है हमको थोड़ा बहुत, आप समझ ही गए होंगे, इंग्लिश GK ये तीनों पर, क्योंकि ये टोटल मिला के आपके 300 नंबर के आएंगे. SSB आपका 200 का होगा, टोटल आपका मेरिट लिस्ट 500 का बनेगा. तो मेरा जो थॉट है वो यही है कि हम बार बार आपको चेक करते रहें कि मैथ्स जो है वो कैसा चल रहा है आपका, इंग्लिश कैसा चल रहा है. इस कारण से हम भी जो मेरे पुराने फॉर्मूलाज जो हम रिवाइज नहीं किए हैं वो सब हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं. आपको सेशंस में बीच बीच में दिख रहा होगा, हम कुछ ट्रिक्स भी बता रहे हैं, है ना. तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब होता है कि पाई यानी कि 90 डिग्री से लेकर पाई बाई टू से लेकर पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, और पाई से लेकर 3π/2 जो कि आपका 270 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सिर्फ टैन पॉजिटिव हो जाता है. और 2π तक, ठीक है, यानी कि आपका 360 है, सिर्फ आपका कॉस पॉजिटिव रहेगा. बाकी जगह अगर आप कॉस को ले रहे हैं 95 डिग्री, तो यानी कि कॉस का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि आप सिनोसाइडल ग्राफ के बारे में जानते हैं. तो इस तरह से सब कुछ रिवाइज किया जा रहा है ताकि हम बीच बीच में बार बार चेक करते रहें कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस टाइप के चल रहे हैं,
और यहाँ पे जो आपके 300 मार्क्स हैं उसमें से आपको अच्छा स्कोर आ जाए। क्लियर है गाइज? तो इसीलिए शौर्य 2.0 शुरू हो चुका है। आज तो महापैक में डबल वैलिडिटी भी है, तो महापैक लेने पे आपको शौर्य के साथ FCAT, BSF, CAPF सबका कोर्स जैसे जैसे वो आते जाएगा आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक यू शुड कम इन द शौर्य बैच, ये CDS का एक्सक्लूसिव बैच है। और जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है आपका बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है, तो ये वैकेंसी आ चुका है, इसीलिए आप जल्दी से महापैक ले लीजिए इंजीनियरिंग का। जो लोग वेट कर रहे थे आज तो ले ही लीजिए, क्योंकि आज आपको उसी पैसे में डबल वैलिडिटी मिल रहा है। 12 महीने की जगह आपको 24 महीने मिलेगा, 6 महीने की जगह आपको 12 महीने मिलेगा, बाकी हमारे साइड से फ्री रहेगा। ओके गाइज, सो दिस वॉज द क्लास। होपफुली आपको क्लास पसंद आया होगा, तो आप लोग क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हम ऑलराउंडर हैं। ठीक है, थैंक यू।